Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmad Story Circle. This is the part 2 of the chapter David Visits His Aunt. So, यदि अगर आपने इस chapter का part 1 नहीं देखा है, तो आप channel के playlist में जाइए. वहाँ पे रत्नसागर English Reader Class 8 के नाम से एक playlist बना होगा. उस playlist के अंदर इस chapter का part 1 आपको आसानी से मिल जाएगा. तो पहले आप part 1 को देख लीजिए. फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि पार्ट वन में जहां से हमने छोड़ा था वहीं से पार्ट टू को हम लोग स्टार्ट करते हैं. और इससे पहले कि मैं पार्ट टू को स्टार्ट करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए. जस्ट बिकॉज आप लोगों के लिए मैं काफ़ी सारा मेहनत करता हूँ, ठीक है. एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. After tea, we sat at the window on the lookout, as I imagined from my aunt's sharp expression of face, for more invaders. अब यहाँ पे वो जो लड़का है जो कि अपनी आंट के यहाँ गया होता है, वो कहता है कि चाय ख़त्म करने के बाद, चाय पीने के बाद, हम लोग खिड़की के पास बैठे हुए थे और बाहर देख रहे थे, और मैं अपनी आंट के, मैं अपनी चाची जी के चेहरे के एक्सप्रेशन से ये बता सकता था कि वहाँ पे कुछ लोग और आने वाले थे. यहाँ पे इन्वेडर्स कहने का मतलब होता है आक्रमणकारी, लेकिन इन लोगों, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा अगर वहाँ पे आता है उसको हमारा ऑथर यहाँ पे इन्वेडर कहता है. अनटिल डस्क व्हेन जेनेट सेट कैंडल्स एंड अ बैकगैमन बोर्ड ऑन द टेबल एंड पुल डाउन द ब्लाइंड्स. यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि शाम तक कुछ लोग यहाँ पे आने वाले थे, और जब शाम हुआ तो फिर जेनेट हम लोग किसको कहते हैं, घर के जो नौकर चाकर होते हैं उनको हम लोग जेनेटर कहते हैं. जेनेटर तो साफ सफाई करने वाले लोगों को कहते हैं, नौकर चाकर लोग हम लोग जेनेट कहते हैं. तो जेनेट ने क्या किया, कैंडल जलाया. एक बैकगैमन बोर्ड होता है, ये एक तरह का खेल होता है. इस बोर्ड को उसने टेबल पर लगाया और पर्दे को नीचे गिरा दिया. I'm sorry, I'm suffering from a little cough. थोड़े सा खांसी हो गई है, बट क्या करूँ, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा. Now Mr. Dick said my aunt with her grave look and her forefinger up as before, I'm going to ask you another question. अब यहाँ पे मेरी aunt Mr. Dick से कहती है कि Mr. Dick, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछने जा रही हूँ. और बिल्कुल पहले की तरह जब मेरी आंट ने उनसे ये बात कही तो उनका जो फोर फिंगर था, उनकी जो तर्जनी उंगली थी, उसको उन्होंने ऊपर उठा रखा था, जैसे कि पहले भी उसने जब मिस्टर डिक से क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने उठाया था. लुक एट दिस चाइल्ड, है ना, मेरी आंट कहती है मिस्टर डिक से कि इस बच्चे को देखिए. मिस्टर डिक क्या कहते हैं, डेविडसन, क्या डेविड के बेटे को मुझे देखना है, है ना. वो काफ़ी मतलब पजल्ड फेस के साथ काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि आप किसको देखने को कह रही हैं. मेरी आंट कहती है एग्जैक्टली सो, हाँ, डेविड के बेटे को ही देखने को कह रही हूँ. रिटर्न माई आंट, वट वुड यू डू विद हिम नाउ, कि अब आप इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब आंट ने पूछा था मिस्टर डिक से कि अब मुझे इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, तो मिस्टर डिक ने कहा था कि मैं अगर आपकी जगह पे होता तो इसको पहले नहलाता, है ना. तो आंट ने वैसा ही किया था, उस लड़के को उन्होंने नहलाया था. अब फिर वो पूछ रही हैं कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए. I replied my aunt, है ना, with Davidson. तो यहाँ पे one second, यहाँ पे मैंने एक line miss कर दिया है. Do with Davidson, said Mr. Dick. Mr. Dick कहते हैं अच्छा, तो आप कह रही हैं कि David के बेटे के साथ, David के son के साथ अब क्या करना चाहिए. I कहने का मतलब होता है yes. I कहने का मतलब क्या होता है, yes, हाँ, David के बेटे के साथ क्या करना चाहिए. Aunt कहती हैं ये मुझे आप बताइए. Oh, said Mr. Dick, yes, do with Dash. I should put him to bed. यहाँ पे कहने का मतलब, मिस्टर डिक कहते हैं कि ओ हाँ, देखो मैं बताता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो अब मैं उसे सुला देता, उसे मैं उसके बेड पे ले जाता. जेनेट, क्राइड माय आंट विद द सेम कॉम्प्लेसेंट ट्रायम्फ दैट आई हैड रिमार्क्ड बिफोर. यहाँ पे बताया गया है कि जब मिस्टर डिक ने कहा कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो इस बच्चे को सुला देता, तभी आंट जो है ना जेनेट को आवाज़ लगाती हैं, और उसी संतुष्टि के साथ, उसी कॉम्प्लेसेंट ट्रायम्फ के साथ वो आवाज़ लगाती हैं, जैसे कि उन्होंने पहले जेनेट को बुलाया था कि उसका बाथ टब तैयार है कि नहीं, उसको नहलाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है. मिस्टर डिक सेट्स अस ऑल राइट. अब यहाँ पे फिर बार बार आंट जो है ना ये इस फ्रेज़ को, इस लाइन को दोहराती हैं कि मिस्टर डिक सेट्स अस ऑल राइट, मिस्टर डिक हम सबको अच्छा कर देते हैं, वो हमें अच्छे अच्छे सलाह देते हैं, अच्छे एडवाइसेस देते हैं.
इफ द बेड इज रेडी विल टेक हिम अप टू इट। यहाँ पे आंट कहती हैं कि अगर बिस्तर तैयार हो गया होगा तो हम लोग इसको वहाँ पे ले जाएंगे, इसको बिस्तर पे ले जाएंगे, इसको सुलाने के लिए ले जाएंगे। जेनेट रिपोर्टिंग इट टू बी क्वाइट रेडी। जेनेट रिपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ बिस्तर जो है वो बिल्कुल तैयार है। आई वॉज टेकन अप टू इट काइंडली बट इन सम सॉर्ट लाइक अ प्रिजनर विद माई आंट गोइंग इन फ्रंट एंड जेनेट ब्रिंगिंग अप द रियर। यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि मुझे बड़े ही प्यार से बहुत ही काइंडली बिस्तर पे ले जाया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी प्रिजनर को, किसी कैदी को कहीं पे ले जाया जा रहा हो, क्योंकि मेरी आंट मेरे आगे चल रही थी और जो जेनेट थी वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। द ओनली सर्कमस्टांस विच गिव मी एनी न्यू होप वॉज माई आंट्स स्टॉपिंग ऑन द स्टेयर टू इंक्वायर अबाउट अ स्मेल ऑफ फायर दैट वॉज प्रिवेलेंट देयर। यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ एक ऐसा परिस्थिति आया जब मुझे एक नई उम्मीद मिली, जब मेरी आंट स्टेयर्स पे सीढ़ियों पे रुकी, है ना, वहाँ पे आग का एक गंध आ रहा था, किसी चीज़ के जलने का स्मेल आ रहा था जो कि वहाँ पे चारों तरफ प्रिवेलेंट था, फैला हुआ था। तो उसको पता लगाने के लिए आंट जब वहाँ पे रुकी तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा आज़ाद हूँ। एंड जेनेट्स रिप्लाइंग दैट शी हैड बिन मेकिंग टिंडर डाउन इन द किचन। और जेनेट ने बताया कि वो नीचे क्या कर रही है, किचन में आग जला रही थी, है ना, किस चीज़ से, ऑफ माई ओल्ड शर्ट, मेरे जितने भी पुराने कपड़े थे शर्ट से, उनसे वो आग जला रही थी। बट देर वर नो अदर क्लॉथ्स इन माई रूम दैन दी ऑड हीप ऑफ थिंग्स आई वोर। अब यहाँ पर हमारे ऑथर कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक वहाँ पे कपड़ों को जलाने की बात हो रही थी, तो वहाँ पे वहीं जो फटे पुराने और घिसे पीटे जो मेरे कपड़े थे, जो कपड़ों का जो ढेर था जो कि मैं पहना करता था, उसके सिवा कोई कुछ भी वहाँ पे नहीं था। आई मीन वहाँ पे जो चीज़ें जलाई जा रही थी, मेरे कपड़े, वो उतने अच्छे नहीं थे, तो इससे कोई फ़र्क भी पड़ने वाला नहीं था, है ना। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि there were no other clothes, वहाँ पे कोई भी दूसरा कपड़ा नहीं था इन माई रूम, मेरे कमरे में, देन द ऑड हीप ऑफ थिंग्स आई वोर, जो बेकार कपड़ों का जो ढेर वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसके सिवा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। व्हेन आई वॉज लेफ्ट देयर, जब मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया गया, है ना, कहाँ पे, स्टेयर्स पे, या ये अपने रूम में चला गया होगा, इस बात को क्लियर नहीं किया। चलो हम लोग कंसीडर करते हैं कि जब इसको रूम में अकेला छोड़ दिया गया विद अ लिटिल टेपर, अब टेपर हम लोग एक कैंडल, एक मोमबत्ती को कहते हैं, कि जब मुझे वहाँ पे एक छोटे से मोमबत्ती के साथ छोड़ दिया गया था, विच माई आंट फॉरवार्न्ड मी वुड बर्न एग्जैक्टली 5 मिनट्स, जिसके बारे में मेरी आंट ने मुझे पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि ये जो मोमबत्ती है वो सिर्फ 5 मिनट तक जलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आई हर्ड देम लॉक माई डोर ऑन द आउटसाइड, मैंने सुना कि उन लोगों ने मेरे रूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, टर्निंग दीज थिंग्स ओवर इन माई माइंड, अब कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में नाचने लगी, घूमने लगी। आई डीम्ड इट पॉसिबल, अब यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि मुझे लगा कि यह संभव है, दैट माई आंट हु कुड नो नथिंग ऑफ मी, मेरी आंट, मेरी चाची, जो कि मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, माइट सस्पेक्ट आई हैड अ हैबिट ऑफ रनिंग अवे एंड टुक प्रिकॉशंस ऑन दैट अकाउंट टू हैव मी इन सेफ कीपिंग। तो यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि आंटी को लगता होगा, है ना, चाची जी को लगता होगा कि मुझे भागने की आदत है, है ना, और पहले से ही परहेज के लिए, प्रिकॉशंस के लिए, सावधानी के लिए उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी होगी ताकि वो मुझे सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें, ठीक है। द रूम वॉज अ प्लीजेंट वन, अब यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि जिस कमरे में मैं था, जिस रूम में मैं था, वो काफ़ी प्लीजेंट था, काफ़ी आनंददायक था, काफ़ी अच्छा था। एट द टॉप ऑफ द हाउस, क्योंकि वह घर के बिल्कुल टॉप पे था, सबसे ऊपर वाले माले पे था, ओवर लुकिंग द सी, वहाँ से समुद्र भी दिख रहा था, ऑन विच द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली, और समुद्र के ऊपर, समुद्र के सरफेस के ऊपर चांद, है ना, ब्रिलियंटली शाइन कर रहा था, चमक रहा था। आफ्टर आई हैड सेड माई प्रेयर्स, मैंने अपनी प्रार्थना खत्म कर ली थी, मैंने अपना प्रार्थना कर ली थी, एंड द कैंडल हैड बर्नट आउट, और कैंडल भी जल चुका था, ख़त्म हो चुका था। I remember how I still sat looking at the moonlight on the water. तो मुझे याद है कि मैं कैसे बैठ कर पानी के ऊपर moonlight को देखा करता था, as if I could hope to read my fortune in it as in a bright book. और जैसे कि मुझे लगता था या मुझे उम्मीद था कि मैं उस पानी के ऊपर मैं अपनी किस्मत को, मैं अपनी fortune को पढ़ सकता था, जैसे कि किसी किताब में मैं अपनी किस्मत को पढ़ सकता था।
और टू सी माई मदर कमिंग फ्रॉम हैवन अलॉन्ग दैट शाइनी पाथ, या मुझे ऐसा लगता था कि उन चमचमाती रास्ते से मेरी मदर, मेरी माँ स्वर्ग से आ रही हो. टू लुक अपॉन मी एज सी हैड लुक्ड वेन आई लास्ट सॉ हर स्वीट फेस सॉरी. तो यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा था कि उन चमचमाते रास्तों से स्वर्ग से होकर उसकी मॉम उसे देखने के लिए आ रही थी, जैसा कि उसने आखिरी बार उसके प्यारे से चेहरे को देखा था. ठीक है. आई रिमेंबर हाउ द सोलम फीलिंग विद विच एट लेंथ आई टर्न माई आईज अवे. मुझे याद है कि वो इकलौता, सोलम मीन्स होता है इकलौता, एकमात्र एहसास, फीलिंग, जिससे थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी निगाहें मोड़ ली थी, मैंने अपनी नज़रें घुमा ली थी, उसके वजह से क्या हुआ, yielded to the sensation of gratitude. मेरे अंदर उस फीलिंग ने, मेरे अंदर उस फीलिंग ने क्या किया, एक आभार की भावना को प्रकट किया. और उसके बाद क्या हुआ, एंड रेस्ट, और जो बाकी चीज़ था वो ये बता रहे हैं, विच द साइट ऑफ द वाइट कर्टन बेड एंड द थॉट ऑफ लाइंग सॉफ्टली इन द स्नो वाइट सीट्स इंस्पायर्ड. फिर उसके बाद मैं सपने देखने लगा कि मैं एक वाइट कर्टन बेड पे सोया हुआ हूँ, और वहाँ पे जो है ना, जो कि बाकी जो कर्टन्स लगे हुए हैं, जो बेड सीट्स लगे हुए हैं, वो बिल्कुल स्नो वाइट जैसे हैं, वो बिल्कुल बर्फ़ जैसे सफ़ेद हैं, और उससे मैं इंस्पायर्ड हो रहा था. आई रिमेंबर हाउ आई थॉट ऑफ ऑल द सोलिटरी प्लेसेस अंडर द नाइट स्काई वेयर आई हैड स्लेप्ट. अब यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं उन सभी जगहों को, उन सभी सुनसान सोलिटरी प्लेसेस को याद कर रहा था जब मैं यात्रा कर रहा था, जब मैं भाग करके अपने आंट के यहाँ आ रहा था. तो जिन जगहों पे मैंने अंधेरी रात में समय गुजारा था, या मैं सोया था, उन सभी जगहों को मैं याद कर रहा था. एंड हाउ आई प्रेड दैट आई नेवर माइट बी हाउसलेस एनी मोर. और कैसे, और मुझे याद है कि मैं कैसे प्रार्थना कर रहा था कि मैं फिर से कभी भी बेघर न रहूं, एंड नेवर माइट फॉरगेट द हाउसलेस, और कभी भी किसी बेघर को न भूलूं. आई रिमेंबर हाउ आई सीम्ड टू फ्लोट देन डाउन द मेलंकली ग्लोरी ऑफ द ट्रैक अपॉन द सी अवे इन टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं समुद्र की उस गरिमा में, समुद्र की उस महिमा में कहीं ना कहीं तैर रहा था, और सपनों की दुनिया में जो है ना खोया हुआ था, और सपनों की दुनिया में कहीं गुमसा हो गया था. बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसको दो पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया. यहाँ पे डेविड विजिट्स हिज आंट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. पार्ट वन पहले देखिए, पार्ट टू को बाद में देखिएगा, तभी एक स्टोरी कंप्लीट होगा आपको. बीच में कहीं पे भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ होगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है. बट रिक्वेस्ट आ रहे थे और मुझे बनाना था इस वीडियो को, इसीलिए मैंने बनाया. वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.